दोस्तों, अगर आप भी पैट कमिंस और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के चलते मैच तो हुआ रद्द, लेकिन फिर भी जीत गई एसआरएच की टीम और क्वालिफाई कर गई है सीधा आईपीएल के प्लेऑफ में। आखिरकार कैसे दोस्तों बारिश के चलते मैच रद्द होने के बावजूद हैदराबाद ने ही मैच को जीत कर अपने नाम कर लिया? इससे उन्हें क्या कुछ फायदा भी हुआ है? दोस्तों, आपको इस चौंकाने वाले मैच का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा, हैदराबाद, चेन्नई या कोई और? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में दोस्तों प्लेऑफ के लिए सभी टीमें अपनी अपनी सीट पर बैठती जा रही हैं। एक ऐसी ही सीट आज एसआरएच की टीम को भी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का 66वां मैच खेलने के लिए गुजरात और हैदराबाद की टीम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने आई। अफसोस इस बात का कि गुजरात की टीम में अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी को छोड़कर केवल और केवल पानी लिखा है, यानी कि दोस्तों बारिश। पहले गुजरात के मैदान में हुई तो उनका मैच रद्द हुआ और अब दोस्तों हैदराबाद के मैदान में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इनकी बदकिस्मती कहिए या फिर हैदराबाद की खुशी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में हैदराबाद हारती तो पॉइंट टेबल और बन जाती, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि हैदराबाद बिना कोई गेंद खेले जीत गई। दरअसल दोस्तों, मैच शुरू होने का असल टाइम तो 7 बजे से है जब टॉस होता है, लेकिन टॉस आधा घंटे डिले था, उसके बाद फिर से 7.25 घंटे डिले किया गया और जब तीसरा निरीक्षण हुआ तो आखिरी निर्णय ये लिया गया कि 9:30 बजे के आसपास मैच के लिए आकलन किया जाएगा और 5-5, 10-10 ओवर का मैच हो सकता है। और दोस्तों फाइनल कॉल आई रात के 10 बजे जब इस मैच को रद्द कर ही दिया गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैच रद्द हुआ ना, तो एसआरएच की टीम खुशी से झूम उठी, क्योंकि वो इस मैच को जीत चुकी थी बिना कोई गेंद डाले, बिना कोई चौका छक्का चढ़े। वैसे खेलते भी तो वही जीतते, लेकिन बिना खेले वो कैसे जीत गए आपको बताते हैं। दोस्तों पॉइंट टेबल पर नजर डालिएगा, पॉइंट टेबल में वही टीमें क्वालिफाई करती हैं जिनके 15 या 16 अंक होते हैं। अब बाकी टीमों के तो 16-18 अंक है, और अगर बाकी टीमों पर नजर भी डाल ली जाए ना, तो वो या तो 14 पर पहुंचेंगी, 16 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। यानी कि एसआरएच की टीम विन विन सिचुएशन में पहुंची, रद्द होने के बाद उन्हें एक अंक मिला, उनके अंक अब 15 हो गए हैं और अभी भी एक मैच बचा हुआ है जिसे जीत कर वो अपने इन अंकों को 17 तक ले जा सकते हैं। दोस्तों एसआरएच तो क्वालिफाई कर गया है, लेकिन अब भी एक सीट बाकी है, सीट उसकी जो विजेता बनेगा 18 तारीख को। 18 तारीख को दोस्तों सीएसके और आरसीबी की टीम के बीच में करो या मरो मैच है, और जो भी उस मैच को जीतेगा या तो अपने अंक 14 से 16 करेगा, या 14 अंक आरसीबी की टीम के हो गए तो नेट अंडेट के माध्यम से पता चलेगा कि आरसीबी जीती है या सीएसके की टीम प्लेऑफ की दौड़ में। तो दोस्तों एसआरएच की तो जीत हो गई है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है सीएसके आरसीबी मैच को कौन जीतने वाला है? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो अगर आप भी शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद और गुजरात के मैच में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश बनी है विलेन, निकल कर आई है। अब सबसे बड़ी अपडेट, अब नए समय और नए फॉर्मेट के साथ खेला जाएगा ये मैच। तो आखिरकार गुजरात और हैदराबाद के बीच ये मैच अब कितने बजे से खेला जाएगा और दोनों टीम के बीच कितने ओवर का मैच होगा, कितने बजे से किया जाएगा टॉस, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर में से कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2024 के 65 मैच समाप्त हो गए हैं। इस बीच आईपीएल का 66वां मैच हैदराबाद और गुजरात के बीच हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है। हैदराबाद और गुजरात दोनों टीम के लिए यह मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर गुजरात की टीम अपना आईपीएल 2024 का अंतिम मैच जीत के साथ खत्म करने का प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें हैदराबाद की टीम फिलहाल 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है, तो दूसरी तरफ से गुजरात की टीम 8 नंबर पर 11 अंक के साथ मौजूद है। इस मैच में 7:30 बजे का समय शुरू होने का रखा गया था, लेकिन बारिश के चलते मैच समय पर शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी मूसलाधार बारिश समय देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा मौसम का हाल है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मुकाबला शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोबारा से बारिश आने के कारण इस मैच का टॉस भी 8 बजे नहीं हो पाया। ऐसे में बारिश की संभावना भी 90% तक है, लेकिन 9 बजे के बाद बारिश की संभावना मात्र 50% है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये मैच 1 से 1.5 घंटे की देरी से शुरू हो सकता है और इस मैच में 15 ओवर दोनों टीम के बीच देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैच अगर 11 बजे तक शुरू नहीं होता है
तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा और 11 बजे तक मैच शुरू हो जाता है। तो 5-5 ओवर का अंतिम ओवर एक छोटा सा मैच खेला जाएगा। इस मैच में हैदराबाद की टीम को बारिश के चलते एक अंक मिलने के कारण प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिलेगा, तो वहीं गुजरात की टीम 12 अंक के साथ इस बार अपने आईपीएल के सफर को समाप्त कर देगी, तो वहीं हैदराबाद की टीम टॉप 2 में पहुंचने की भी प्रबल दावेदारी अब पेश कर देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात और हैदराबाद के बीच इस मैच में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।